भैया सर ये दवाई दे दो। जी मैडम कौन सी? ये तो मुस्लिम है। अच्छा अभी निकालता हूँ, ले लीजिए मैडम आपकी दवाई। अरे मुझे नहीं चाहिए दवाई। अब नहीं चाहिए? क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं चाहिए, मैंने बोला ना मैं कहीं और से ले लूंगी। अरे पर मैडम ये अजीब मैडम है। मैम ये दवाई दे दो। I'm sorry मैम, ये दवाई यहाँ नहीं मिल पाएगी। अरे लेकिन क्यों, आपके इस एरिया की सबसे बड़ी मेडिकल शॉप है और आपके पास ये दवाई नहीं है? एक्चुअली मैम क्या है कि इस दवाई की ज्यादा सेल नहीं होती इसलिए हम दुकान में रखते ही नहीं है। आप कहीं और से पता कर लीजिए, मिल जाएगी शायद आपको। अब अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या करूँ यार, ये इस एरिया की आखिरी मेडिकल स्टोर थी और इसमें भी दवाई नहीं मिली है। आज किसी भी हालत में मुझे मम्मी को दवाई देनी पड़ेगी वरना मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूँ, वो मुस्लिम, लगता है उस मुस्लिम के पास ही मुझे वापस जाना पड़ेगा, उसी के पास वो दवाई है। लेकिन नहीं यार, जिस तरीके से आज मैं उसकी दुकान से निकली थी वो मुझे दवाई नहीं देगा। क्या करूँ, कोई ऑप्शन भी नहीं है, वहीं चली जाती हूँ। भैया वो, अरे आप, ये रही आपकी दवाई, 250 रुपए हो गए। अरे आपको कैसे पता कि मैं दोबारा यही दवाई लेने आई हूँ? क्योंकि मैडम मुझे मालूम था कि आपकी दवाई कहीं नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी छान मान लो, ये दवाई बस हमारे यहाँ ही मिलती है। तो मुझे मालूम था कि आप फिर से आओगे इसलिए मैंने रखी थी निकाल के आपके लिए। मुझे लगा था जिस तरीके से सुबह मैं आपकी दुकान से गई थी आप मुझे दवाई नहीं दोगे, लेकिन आपने तो बिना बोले मुझे दवाई दे दी। हाँ मैडम मैं समझता हूँ आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझसे दवाई क्यों नहीं ली, क्योंकि आपने मेरे सर पे एक ऐप देख ली कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए ना। और इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती ना हमारे सोच में, क्योंकि शुरू से ही हमारे मन में डाल दिया गया कि हम एक दूसरे के खिलाफ है। और अगर मैं भी इसी तरह सोचूंगा, अपने धर्म को अपने काम के बीच में लाऊंगा तो फिर कैसे चलेगा? और मेरा तो काम ही यही है कि जो भी ग्राहक मेरी दुकान पे आए उसे प्यार से वेलकम करूँ, जो वो दवाई मांगे उसे मैं दवाई दूँ और हर मरीज तक उसकी दवाई टाइम से पहुंच सके, वो स्वस्थ रहे। और आप खुद सोचिए, अगर मैं धर्म को अपने काम के बीच में ले आऊं, आपको दवाई ना दूं क्योंकि आप मुसलमान नहीं हो, तो फिर दुनिया कैसे बढ़ेगी आगे? सिर्फ नफरत रहेगी, प्यार नहीं। और मैं ऐसा हूं भी नहीं जो इस तरह सोचूं, इस तरह काम करूं। मेरी दुकान पर आया हुआ हर ग्राहक मेरे लिए इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं। एंड आई होप कि आप भी इस बात को समझे। जी भाईजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो क्या है ना, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि दूसरे धर्म के लोगों से दूर रहना चाहिए, वो खराब होते हैं। लेकिन मैं गलत थी, वो लोग गलत हैं जो हमें ये सब सिखाते हैं। और आज आपसे मिलने के बाद मेरे सोचने और देखने का नजरिया बदल गया। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं किसी को भी उसके धर्म की वजह से जज नहीं करूंगी। अच्छा लगा मैडम कि आप समझे मेरी बात, एंड आई होप कि सभी समझे और हमारे बीच ये तकरार ये नफरत कम हो, हम आगे बढ़े और प्यार से मिल के रहे। और बाकी आपकी दवाई, थैंक यू, अब मैं आपको पेटीएम कर देती हूँ। जी जी कर दीजिए। हो गए।